अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदफ स्टोरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज बड़ी ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और अजीब किस्म की स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये स्टोरी बेसिकली भारत से रिलेटेड है। भारत के जो रियासत तमिलनाडु, वहाँ से ये स्टोरी मंसूब करती है। स्टोरी का जो मौजू है वो ये है कि भारत में एक शख्स ने पैकेट खरीदा बिस्किट का, और बिस्किट के पैकेट में समझो कि ये एक बिस्किट जो है वो कम निकला, जिस पर वो जो बंदा है वो सिपा हो गया। उसने कंपनी पर केस कर दिया और कंपनी ने अदालत में क्या मौका दिया, आइए आपको बताते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु की अदालत ने पैकेट से एक बिस्किट कम निकलने पर कंपनी को हुक्म दिया कि वो ग्राहक को बतौर हर्जाना 1,00,000 रुपये अदा करे। यानी कि एक बिस्किट कम निकलने पर अदालत ने कंपनी को 1,00,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में एक शख्स ने जब मरूफ कंपनी ITD फूड लिमिटेड के बिस्किट के पैकेट को खोला तो उसमें एक बिस्किट जो था वो कम निकला, जिस पर वो शख्स इतना सीखपा हुआ कि वो अदालत चला गया और 1,00,000,000 हर्जाने की इस्तदा करते हुए मौकफ अख्तियार किया कि धोखा देकर मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई गई और नाजायज़ मुनाफा कमाया। यानी उसका मौकफ था कि कंपनी ने बिस्किट का पैकेट जो बाज़ार में रिलेट किया उसमें बिस्किट कम निकलते हैं और वो जो लोगों के एतबार को वो ठेस पहुँचाते हैं, और ये जो कंपनी है ये नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही है। इस पर वो अदालत चला गया और 1,00,000,000 रुपये का हर्जाना वो दायर कर दिया। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। जिस पर अदालत ने ITD फूड कंपनी के नुमाइंदों को तलब करके वजाहत की तो कंपनी के नुमाइंदों ने बोला कि ये एक गलती हो सकती है, हम जो हैं वो पैकेट गिनकर नहीं, बिस्किट जो है वो पैकेट में गिनकर नहीं डालते बल्कि तोल के डालते। ताम जो अदालत थी उन्होंने, उस जज ने ये जो मौकफ है इसको मुस्तरद कर दिया। जिस बंदे ने दरख्वास्त दी थी उसकी जो दरख्वास्त है वो अदालत ने एक्सेप्ट की और कंपनी को हुक्म दिया कि वो 1,00,000 रुपये बतौर हर्जाना अदा करे। इसी तरह बिस्किट के पैकेट गायब एक बिस्किट ITDC फूड लिमिटेड कंपनी को 1,10,000 रुपये का पड़ गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं 1,00,000,000 हर्जाने का दावा किया था, ताम अदालत का जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है। बाद में 1,00,000 रुपये जब अदालत ने जुर्माना किया तो ग्राहक ने मीडिया को बताया कि मैंने तो 1,00,000,000 रुपये का जाने का दावा किया था लेकिन अदालत ने जो फैसला किया वो हमें कबूल है। आप देखें कि एक बिस्किट के पैकेट में सिर्फ एक बिस्किट कम निकला जिस पर अदालत ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। यानी कंपनी को ये उम्मीद भी ना थी कि बंदा अदालत चला जाएगा और वहाँ जाकर हर्जाने का दावा कर देगा। तो आज की स्टोरी का अख्तिताम हुआ। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।